नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मेरा नाम शायान। आज जो हम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे विंडोज मीडिया प्लेयर यूज किया जाता है। तो विंडोज मीडिया प्लेयर में चलते हैं। विंडोज मीडिया में जाने के लिए हम लोग कोई एक ट्रैक सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रैक सेलेक्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू सर्च बॉक्स एडिट टाइप टेक्स्ट इन दिस एडिट फील्ड और प्रेस अपर डाउन एरो टू मूव थ्रू आइटम्स टैब एडमिन। यहां पे हम लोग म्यूजिक में आएंगे। Document, pictures, music, 4 of 10. Music pe aake enter press karenge. Enter, leaving menus, music, item, view, multi, select list box, not selected, sample music, 1 of 1. Sample music ko select karenge ke baad, pe enter jab press karenge, to yahan pe mukhtalif tracks open ho jayenge. Enter, sample music, item, view, multi, select list box, not selected, kalimba, 1 of 3. Yahan pe 3 tracks maujood hain, kalimba, made with the flexin, made with the flexin, sleep away, sleep away, isko hum log control A karke, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सिलेक्टेड कलिम्बा मिस्टर स्क्रफ निंजा फ्रॉम द वन कलिम्बा मेड विद। और जैसे ही हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडोज मीडिया प्लेयर में ओपन हो जाएगा। एंटर विंडोज मीडिया प्लेयर डायलॉग चूज द इनिशियल सेटिंग्स फॉर विंडोज मीडिया प्लेयर यू कैन चेंज दी सेटिंग्स इन द प्लेयर लेटर वेलकम टू विंडोज मीडिया प्लेयर रिकमेंडेड सेटिंग्स रेडियो बटन नॉट चेक्ड 1 of 2 टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो ऑल्ट प्लस आर। जब हम लोग फर्स्ट टाइम विंडोज मीडिया प्लेयर यूज कर रहे होंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन देगा। इसमें से हमने रेकमेंडेड सेटिंग पे सिलेक्ट करते हुए कस्टम सेटिंग रेकमेंडेड सेटिंग रेडियो बटन चेक 1 of 2 ऐप टू लर्न मोर ऐप फिनिश बटन फिनिश कर देंगे। जब हम फिनिश कर देंगे तो विंडोज मीडिया प्लेयर ऑन हो जाएगा। एफर माइग्रेटिंग द विंडोज मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी सैंपल म्यूजिक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और गाइड करूँ कि जो विंडोज मीडिया प्लेयर का सबसे सिंपल व्यू होता है उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल टू Seat left right slider 13.07603 the increase or decrease unity। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल टू प्रेस किया है इसने बोला है सीक लेफ्ट राइट स्लाइडर। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से अपने ट्रैक को आगे और पीछे कर सकते हैं लेफ्ट और राइट एरो के जरिए। ये देखेंगे मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो ट्रैक मेरा आगे जाएगा 52, 73 और मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से ट्रैक पीछे जाएगा 59, 39, 20। अच्छा, अब मैं आपको विंडोज मीडिया प्लेयर की कुछ शॉर्ट कीज बताऊंगा। कंट्रोल एस विंडोज मीडिया प्लेयर में स्टॉप करने की कमांड है। कंट्रोल एस, देखें ट्रैक स्टॉप हो गया। अगर मुझे अब दोबारा प्ले करना होगा तो कंट्रोल पी से मैं प्ले करूंगा। कंट्रोल पी से मैं पॉज भी कर सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे अब नेक्स्ट ट्रैक प्ले करना है तो मैं पहले तो ट्रैक प्ले करता हूं। कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा मैं नेक्स्ट ट्रैक के लिए। कंट्रोल एफ, ये देखिएगा नेक्स्ट ट्रैक प्ले हो गया। इसी तरीके से मुझे अगर प्रीवियस ट्रैक प्ले करना हो तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। कंट्रोल बी, ये ट्रैक प्रीवियस हो गया। अब मुझे अगर फास्ट फॉरवर्ड करना होगा तो फास्ट फॉरवर्ड का कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ, और अगर मुझे फास्ट फॉरवर्ड को नॉर्मल करना होगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ दोबारा प्रेस करूंगा तो ये ट्रैक नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ। अच्छा, म्यूट की कमांड है F7। जब मैं दोबारा अनम्यूट करना चाहूंगा तो मैं दोबारा F7 प्रेस करूंगा। वॉल्यूम डाउन की कमांड है F8। वॉल्यूम अप की कमांड है F9। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ गाइड करना चाहूंगा कि जब हम टैब प्रेस करते हैं तो ये जो कमांड मैंने आपको बताई है ये टैब के जरिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखिएगा क्या बोलता जॉब। फास्ट फॉरवर्ड, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूं तो ये फास्ट फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। म्यूट, अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये म्यूट हो जाएगा ट्रैक। वॉल्यूम, इसको मैं अप डाउन एरो से, अब लेफ्ट राइट स्लाइडर बोल रहे हैं तो मैं यहाँ से वॉल्यूम भी स्लो कर सकता हूँ लेफ्ट और राइट एरो से।
टैब प्रेस करते हैं टैब कैप्शंस बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार इसको इग्नोर करेंगे कैप्शंस को टैब लाइब्रेरी बटन टू टैब पॉज बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार पॉज अगर मैं यहां पे स्पेस बार दबाऊंगा तो ये ट्रैक पॉज हो जाएगा स्पेस प्ले बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार कंट्रोल प्लस अब ये उसने जब मैंने पॉज कर दिया तो उसने प्ले का ऑप्शन दे दिया जैसे ही मैं इस पे स्पेस बार दबाऊंगा तो प्ले भी हो जाएगा स्पेस पॉज बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार स्टॉप बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार यहां पे मैं अगर स्पेस बार दबाऊंगा तो स्टॉप हो जाएगा टैप प्रीवियस बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार यहां पे मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो पिछला ट्रैक प्ले हो जाएगा टैप नेक्स्ट बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार नेक्स्ट पे नेक्स्ट ट्रैक प्ले होगा टैप सीक लेफ्ट राइट स्लाइडर 155.8439 सीक लेफ्ट राइट स्लाइडर यहां से हम लोग ट्रैक को लेफ्ट एरो और राइट एरो से आगे पीछे कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आज के ट्यूटोरियल में आपको बहुत रहनुमाई हासिल हुई होगी आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए